राम बिहारी पटेल के दोनों किडनी फेल होने से परिवार वालों की जिंदगी अस्त व्यस्त। ऐसे गरीबों की जिंदगी बचाने में खुलकर करें मदद। दीपू पांडे, पंचायत समिति। आपकी थोड़ी सी मदद से किसी के परिवार की जिंदगी बच सकती है। दीपू पांडे, पंचायत समिति। न्यूज़ 9 टाइम्स भी आग्रह करता है आप लोगों से कि ऐसे परिवार वालों की करें मदद। न्यूज़ 9 टाइम्स। सिकटा से सफ़ीर अहमद के साथ मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत के भंवरा गांव से दिल दहला देने वाली खबर है, जहां गरीब बेसहारा परिवार लालबचन पटेल का पुत्र राम बिहारी पटेल काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, जो कि विभिन्न डॉक्टरों से दिखाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट जांच में उसकी दोनों किडनी फेल होनी बताई गई है। लालबचन पटेल का पुत्र राम बिहारी पटेल की पिछले 5 साल पहले शादी हुई थी, जिनकी एक पुत्री भी है, और इलाज में इस परिवार के बहुत सारे रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब उनके पास इलाज कराने के लिए तो दूर की बात, अब खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, जो कि अब लालबचन पटेल अपने बच्चों का बेहतर इलाज कैसे करा सके। वहीं इस पहल में स्थानीय मुखिया पप्पू सिंह ने उस परिवार के दुख दर्द को सुनते हुए पीड़ित परिवार वालों को 25,000 का चेक दिया। और उसी पंचायत के पंचायत समिति दीपू पांडे का कहना है कि जिले के सभी जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन व आम जन खुलकर उस परिवार का सहयोग करें, जिससे वह अपने पुत्र का बेहतर तरीके से इलाज करा सके। सर, आपके क्षेत्र में एक लड़का का दोनों किडनी फेल है, इस पे आप क्या कहेंगे और क्या मदद होनी चाहिए? ये लड़का बलथर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लालबचन पटेल जी का लड़का है। गरीबी हालत के चलते उसका किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं कराया जा रहा है। अगर हम लोग उसको सहयोग दें तो उस लड़का का जिंदगी बच सकता है। इसलिए हम सब किसी को उसे अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ सहयोग उसको दिया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। आपका परिचय सर? मैं बलथर पंचायत समिति पति अविनाश कुमार। क्या समस्या है सर? हमारा जो भाई है राम बिहारी, उनका स्थिति जो है काफ़ी ख़राब, गुर्दा खराब हो जाने के कारण हुआ है। और सर, यहाँ पे जो हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, खाने पीने का हम लोग को जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है कि गरीब के लिए संभव नहीं है। हम आगे हाथ जोड़कर सबसे विनती करते हैं, चाहे वो मुखिया साहब जो हम लोग को अभी अनुदान के रूप में 25,000 रुपये दिए हुए हैं। कौन मुखिया? सुनील कुमार सिंह, जो कि ये है बलथर पंचायत के हमारे स्थानीय मुखिया हैं। इसके अलावा हम विधायक साहब से और सांसद साहब से निवेदन करते हैं, चाहे जो भी हो मदद करें। हम गरीब लोग हैं, खाने पीने के लिए हम लोग के पास इतना नहीं जुटाव हो रहा है। यहाँ महीना में 40,000-50,000 रुपये जो लग रहा है, इसमें हम लोग समर्थ नहीं है। कहाँ कहाँ आपने दिखाया सर? हम लोग पहले यहाँ स्थानीय दिखाए, उसके बाद में बेतिया में हम लोग दिखाए, तो वहाँ से हम लोगों को पता चला कि हमारे भाई का जो है गुर्दा ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर के गोरखपुर गए डॉक्टर बंका के पास। वहाँ पे गए तो वो भी इसको प्रूफ किए कि हाँ गुर्दा ख़त्म है। उसके बाद में हम लोग सर इलाज कराए, लेकिन डायलिसिस का बताया गया, जो कि 5 दिन पर डायलिसिस का पहले दिया गया था, और 5 दिन जो हम लोग कराते थे 3560 रुपये लगता था, लेकिन जाने आने का खर्चा सब लेकर के, बेड चार्ज सब कुछ लेकर के 10,000-15,000-18,000 रुपये महीने पर डे पहुँच जाता था। उसके बाद में वहाँ से हम लोग पटना लेकर गए PMCH में, जो हम लोग को विश्वास हुआ कि थोड़ा आगे भी दिखा लिया जाए। वहाँ भी हम लोग गए तो वही स्थिति हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए कोई निदान निकाला जाए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग को मदद किया जाए, ताकि हम लोग का जो है हमारे भाई का इलाज हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजेश्वर कुमार होगा। और हमारा पंचायत बलता दिक्कत पर हुआ? दिक्कत वाले बोल रहा है क्या बोला अब करे वो बोल वो दो दो के नहीं है ना इसे हमने कहाँ से लिया इसे दवा इतना करी से 2 लाख रुपये लगा देनी से तो का चाहता निरुआ कौन नहीं हम लोग बाबू का मुंह में पानी लगा दूसरे पति को है बबुआ के शादी हो गई बा तो ओकर खर्चा कैसे चलता मम्मी के चला होता भी कमा वो मर तो यहाँ के पंचायत के मुखिया के बा वहाँ के कोई सहयोग कहीं नहीं हो ना हाँ सुनील नाम वो दलाल
काहे कहते दवाई कर रहा हूं कहते का नाम पड़ी दो रोजल दे घर कहां पड़े बावरा का भइल बरवा पति के का चाहत हैं लोग पैसा का लागत था हमें पैसा इलाज कराओ में बहुत ज्यादा पैसा लागत था गरीब आदमी नहीं समझ नहीं पैसा